खामियाजा कितना बड़ा होता, एहसास ही नहीं होता। कौन जसवीर नहीं है यहां पे, इसी हॉल में आया था एक दिन, मैं बिल्कुल उतर बैठा था वहां, तीन की भी टीम नहीं थी मेरी, और यहां तक भी नहीं आ पाया था, यहां तक नहीं आ पाया था मैं, हिम्मत ही नहीं थी इतनी मेरी कि वहां से निकल के मैं ऐसे खड़ा होकर के आ सकूं, यही हॉल था। और आज यहां पे खड़ा हूं, आपसे बात कर रहा हूं, पूरी टीम आज मेरी यहां पे बैठी हुई है। हेलो, नजरिए की बात है, अगर उस दिन रुक जाता तो आज यहां नहीं होता, सोच लेता यार इनका हो गया अपना नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं सोचा। अगर आप अपने एटीट्यूड के ऊपर काम कर सकते हो, आप चैंपियन बन सकते हो, चैंपियन। और अगर आप एटीट्यूड पे काम नहीं कर सकते तो दुनिया में कोई आपको चैंपियन नहीं बना सकता, कोई चैंपियन नहीं बना सकता। आपका नजरिया पॉजिटिव है, उसके साथ आपको एक्शन भी लेना पड़ेगा। हाँ जी, एक तरफ आप ड्रीम लिख दो और ड्रीम के आगे दो चीजें, एटीट्यूड और एक्शन। पॉजिटिव एटीट्यूड है, केवल पॉजिटिव एटीट्यूड काम नहीं करता, एक्शन भी जरूरी है। जिस तरीके से इंसान को खड़े रहने के लिए उसकी रीढ़ की हड्डी का होना जरूरी है, उस तरीके से इस बिजनेस में खड़े रहने के लिए आपको 4 स्टेप को फॉलो करना जरूरी है, बेसिक काम करना जरूरी है। इंसान की रीढ़ की हड्डी जिस तरीके से रहती है, उस तरीके से हमारे बेसिक स्टेप रहते हैं। आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी, आपको लिस्ट ढूंढनी पड़ेगी साहब, आपको 3 फुट वाले लोगों को मिलना पड़ेगा। आपको हंसी नहीं आती साला, जबरदस्ती दांत दिखाने होंगे, हंसू और ये कुछ रिप्लाई दे, आपको ढूंढने पड़ेंगे, ये आपका बेसिक है, ये करना पड़ेगा। आपको लिस्ट में लोग जोड़ने पड़ेंगे। आपका काम चल रहा है या ना चल रहा है, लेकिन आप भविष्य को देख करके एक्साइटेड रहना होगा, और आपको बोलना पड़ेगा कि मैं दमदार हूं, दमदार करके दिखाऊंगा। ये आपके अंदर होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, बेसिक है, बेसिक है ये। लिस्ट ढूंढनी पड़ेगी, प्लान दिखाना पड़ेगा। हेलो, आप कितने बड़े 30 मार खाएं उस वास्ते कुछ नहीं है साहब। आप जब काम पे निकले हो तो आपको बेसिक करना पड़ेगा। अगर आज विराट कोहली जाकर के क्रीज पे खड़े हो ऐसे कमर पे बल्ला लगा के, हेलो किससे बात कर रहे हो, मालूम है 100 सेंचुरी मेरे नाम पे, ओके अनुष्का का हस्बैंड हूं, ठीक है साला, तेरी ओके को पोके निकाल देगा, वो बॉल ऐसी मारेगा, तू कुछ भी करने लायक नहीं रहेगा फिर। हेलो, कमर पे बल्ला नहीं, उधर बल्ला सही जगह पे आना चाहिए। यस या नो, उसका काम है, वो एक्शन है उसका, वो लेना पड़ता है, वो ले रहा है। अच्छा, सलमान खान हो या शाहरुख खान हो, जब कैमरा होता है तो बोल दिया जाता है लाइट कैमरा और शुरू हो जा भाई। और अगर बोले मैं तो इतना बड़ा ना एक्टर हूं, तो चाह घर फिर ताप रहे तेरे जैसे, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। यस या नो, और 5 साल बाद जब नेताजी का टॉक टाइम खत्म हो जाता है तो जनता भी बोलती है एक्शन। हेलो, ले करके झंडे और बैनर आ जाते हैं, हमें वोट दो, और जिसने एक्शन नहीं किया वो घर में ही पैक है। यस या नो, एक्शन वो भी कर रहे सारे के सारे लोग, किसी भी दिग्गजों को उठा करके देख लो। और आपको भी एक्शन करना पड़ेगा, जाकर के लोगों को प्लान दिखाना पड़ेगा, दिखा सकते हो। डर लगता है, शर्म आती है, दिमाग में पता नहीं क्या क्या है, यहां चलता रहता है, मैंने इसको दिखाया तो ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, ये भी तू सोचेगा तो फिर वो क्या सोचेगा, अरे ये मत सोच तू, वो क्या सोचेगा, तू जाके दिखा दे। हेलो, यही चलता रहता है, पिछले वाले को दिखाया था उसने मुझे धो दिया था, कहीं ये भी ने मुझे को धो के रख दे। अरे पिछले वाले की प्रॉब्लम हो सकती है भाई, है हर एक बात हर आदमी पे लागू नहीं होती। यस या नो, अगर आप जैसे मैं आप सभी से पूछता हूं, किसी इंसान को मौका मिले अपने परिवार की तरक्की का तो करनी चाहिए, बीवी बच्चों के सपने साकार करना चाहिए, लेकिन किसी का बीवी से झगड़ा हुआ, अभी कूटा है उसकी बीवी ने उसको, है और उसको जाकर के बोलो आप अपनी पत्नी के सपनों के लिए क्या क्या करना चाहेंगे, क्या बोलेगा, तू उसी का आदमी है ना। कैसे मान लेगा, बीबी की बात करेगा, उठ उठ खड़ा हो निकल तेरा, चाहे कुछ भी प्लान हो।
और डिपेंड करता है ना आदमी के साथ सिचुएशन क्या है। तो आप पुराने वाले को सोच करके अगले वाले पे भी अगर यही सोचोगे कि ये भी ऐसे ही बोलेगा, ये जरूरी नहीं होता। हाँ जी, मेरा तजुर्बा रहा एक जगह जाकर के हमारी धुलाई हुई है रिन साबुन की टिकिया और लोहे के ब्रश से, और अगली जगह हमारा जाने का मन ही नहीं है, इतने फ्रस्ट्रेट साला बहुत मारा रे इसने तो। लेकिन अगली जगह गए वहां पे हमें मिठाई मिली, नमकीन मिली, डीडी भी मिली है और टाइपोट से मिली है, दमदार लोगों की मिली है, ये हमारा तजुर्बा रहा है। आपको जाना पड़ेगा, जा सकते हो, लोगों का प्लान शो करना पड़ेगा, कर सकते हो। और बेसिक होता है फॉलोअप, एक बार प्लान दिखाने के बाद दोबारा भी मिलना पड़ता है। कई लोग बड़े हम एक बार बोलने का दोबारा नहीं बोलते, तो भैया तेरे सारे काम एक ही बार में हो गए थे क्या है? कुछ चीजों के लिए आदमी को कन्विंस करने, कस्टमर है भाई वो, उसका अधिकार है। यस या नो? कितनी भी डिमांड हो, अगर वो व्हाइट शर्ट लेने भी गया ना तो एक ही बार में ये नहीं बोलेगा व्हाइट निकालो लेके चलाए, व्हाइट में भी कौन सी व्हाइट, मिल्की व्हाइट, ऑफ व्हाइट, ये व्हाइट, वो व्हाइट, साला व्हाइट की भी 25 वेराइटी, व्हाइट क्या व्हाइट होता है। हाँ जी, तो उसका अधिकार है। और आपका कमिटमेंट होना चाहिए, एक बार जिसको प्लान दिखा दिया या तो मर जाए नहीं तो जुड़ जाए, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है जब तक उसका फॉलोअप करना है। कर सकते हो? कर सकते हो? ये बेसिक है हमारा, लिस्ट प्लान फॉलोअप जो करेगा वो चैंपियन बनेगा। कौन करेगा कौन नहीं करेगा, एक बात बता के अपनी बात को खत्म करूंगा। वो करेगा जो जिंदगी में उसको कुछ जरूरत है, कुछ चाहत है। हाँ जी, और जिसको कुछ है ही नहीं, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। कई लोग इतने समझदार हैं आज की दुनिया में, मैं देखता हूं शादी नहीं हुई रहती, जब किसी से चक्कर चल रहा होता है तो उसको पटाने के लिए कुछ भी, बन जा तू मेरी रानी तेनू महल दिवा दूंगा है। साला फर्जी सेल्फी खींच खींच के डालता रहेगा, कितना बड़ा तोप सींग है पता नहीं, और वो बेचारी भारतीय महिला फंस जाती है उसके चक्कर में। असली औकात बाद में पता चलती है, ये तो कंडे पथवाएगा। वो आके दिखाती है, देख मेरे हाथ फट गए गोबर से हैं, मेरी नेल पेंट 3 दिन नहीं चलती, रिन साबुन की टिकिया। ओहो, क्या करता है, समझा देता है, मेरी मम्मी ने भी ऐसे किया था, तुम भी कर लो जानू, क्या प्रॉब्लम है। मम्मी ने इसलिए किया था कि पापा डायमंड नहीं थे, तू बेटा डायमंड बन जा। हेलो, मेरी वाली भी दिखाती थी, साला मैंने डायमंड बन के दिखा दिया। मेरी वाली के हाथ गोबर में नहीं रहते, गिटार पे रहते हैं, और मेरे से कंप्लेंट नहीं करती, गाना गाती है, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के। हेलो, कौन करेगा, जिसको लगेगा। ससुराल से सहायता प्राप्त, मोटरसाइकिल मिल गई, आहा फर्राटे ले रही है, ये हैं, अलग ही लहरा लेती है, ग्रिप अच्छी मिलती है ना, फिर अलग ही टाइप की ब्रेक लगती हैं। लेकिन कब तक, जब तक दो रहते हैं तब तक, और दो ज्यादा दिन रहते नहीं है। दो के बाद तीसरी खुशखबरी आती है कि नहीं आती, और फिर लहरा लेगी तो खुशखबरी नीचे गिर जाएगी। और कई लोग इतने मास्टर आदमी हमारे देश के अंदर, एक दो की बात छोड़ो, चार चार खुशखबरियों को एक टू व्हीलर पर एडजस्ट कर देते हैं। वो आपको सर्कस देखने के लिए कहीं टिकट लेने की जरूरत नहीं है, आप भारत की सड़कों पे खतरों के खिलाड़ी देख सकते हो, मिल जाएंगे आपको। यस या नो? उनको जाके प्लान दिखाओ, पहली बात तो मेरे से दो ही नहीं बनेंगे, ये 5-7 कैसे बन गए, ऐसे जो दो नहीं बन सकते,
है? खतरों का खिलाड़ी बनना मंजूर है लेकिन डायमंड बनना मंजूर। हेलो, मेरी पहली खुशखबरी आई थी उसी में मुझे एहसास हो गया था बाइक भाई दो लोगों के लिए तीन के लिए नहीं है। छोटी सही लेकिन साला ला करके गाड़ी खड़ी कर दी 4.5 लाख रुपए की, इसमें जाइए जी, गाना भी बजता है एसी भी चलती है, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। हेलो, माँ गुरु जी ने बता दिया था मैडम हमारी सस्ती हमारे लिए मेकअप हमारे लिए करती है, बाइक पे बैठ जाते हैं हम हेलमेट लगा के पीछे से दीदार दूसरे करते रहते हैं। हेलो, ये बात मेरे को समझ में आई, बिल्कुल सही बात है गुरुजी, मैडम होगी बराबर में। हेलो, और साला एक हाथ गियर पे रहता था, मैंने गाड़ी ली ऑटोमेटिक वाली, दूसरा हाथ भी मैडम के हाथ में ही होगा। हेलो, एक बार गियर डालने के बाद दोबारा जरूरत नहीं। यस या नो? कौन करेगा जिसको इस बात का एहसास है। कई इतने ज्ञानी लोग हैं अभी भी वो हंस नहीं रहे, वो इतने सीरियस हैं, इतने कहीं डूब रहे हैं। अच्छा सिल्ला दिया तूने मेरे प्यार का, वो पता नहीं कहाँ है, वो कौन सी दुनिया में रो रहा हूं मैं, सुन रहा है ना तू। हेलो, अरे काय हाथ बंद रखे, खोलो थोड़ा इनको। थैंक यू दोस्तों, सच्चा प्यार वो नहीं होता जो सिर्फ आई लव यू और बिस्तर वाला है, सच्चा प्यार वो होता है जो उसने अपने बाप के यहां नहीं देखा, वो आप करके दिखाओ, सच्चा प्यार वो होता है। और मुझे खुशी इस बात की कि मैंने मेरी वाली को जब मेरी शादी हुई थी 1 मई 2007 को 100 रुपए का तोहफा नहीं दे सकता था, लेकिन कल मेरी वाली यूरोप की फ्लाइट पकड़ने वाली है, मेरे साथ जा रही है यूरोप। हेलो, क्या आप अपनी वाली को चाहते हो? और अब जो खुद बैठी हैं वो अपने वाले को चाहती हैं, क्योंकि कहीं कहीं लीड रोल में हीरोइन ही रहती है। हाँ जी, कौन कौन है जो अपने के लिए और अपनों के लिए एक बार इस बिजनेस में डायमंड जरूर बन के दिखाएगा? खड़े हो जाओ, वो वीर बहादुर कौन कौन है, बन के दिखाओगे वादा इस बात का? तो मेरी आवाज में आवाज मिला करके बोल पाओगे? बोल सकते हो? तो बोलो, I am diamond. Thank you very much. Wish you all the best and go diamond.